हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑल हाउस टिप्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ पेंटिंग का सिंगल शेड में एक बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन, जिसमें मैं लगाऊंगी गोल्डन कलर और ग्रीन कलर। ये दो कलर की फ्री हैंड पेंटिंग से मैं बनाने जा रही हूँ बहुत खूबसूरत सा एक डिज़ाइन। देखिए फिर कैसे बनाते हैं। देखिए फ्रेंड, जिस तरह से मैंने ये गोल्डन कलर का फ्लावर बनाया है, इसी तरह से हम यहाँ पर ये दूसरा फूल बनाकर आपको दिखाते हैं। इस तरह से हम ऊपर से कलर लगाते हुए जाएंगे, फिर यहीं से इसकी शेड दे देंगे। इस तरह से हम ये दूसरी पत्ती में भी बहुत जल्दी बन जाता है, ये ज़्यादा कलर भी नहीं लगेगा इसमें। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसे बना लेंगे। इस तरह से यहाँ इसे बनाते जाएंगे। इसी तरह से हम इस फूल की सारी पंखुड़ियाँ बना लेंगे। इस डिजाइन को आप डार्क कलर पर इस कलर गोल्डन कलर से बनाती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से इसे आप कुर्ती पर बना सकते हो, प्लाजो पर भी बना सकते हो, फ्लेपर पे, किसी भी कपड़े पर आप बनाइए। एक ड्रेस को बहुत अच्छा लुक मिलता है, अपने हाथ का बना हुआ और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए इस तरह से ये फूल हमारा पूरा हो गया। इस तरह से हमने ये फूल पूरा बना लिया है। देखिए मैं ये वाला फूल बनाकर फिर आपको पूरा दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे फूल बनकर सब तैयार हो गए हैं, छोटे फूल भी और बड़े फूल भी। अब मैं इसमें इसकी पत्तियाँ और इसकी टहनियाँ बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारा गुलदस्ता तैयार है लगभग। अब हम इसमें इस तरह से पत्तियाँ बनाएंगे। दोनों साइड से हम इसमें थोड़ा थोड़ा कलर लगा देंगे इस तरह से, और फिर हम इसमें इस ऊपर से शेड दे देंगे। नीचे आते आते वो लाइट हो जाता है। इस तरह से की शेडो देकर हम ये कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हम सारी पत्तियां ही बना लेंगे। इसे यहाँ से लगाएंगे, फिर इस तरह से। देखिए एक बार और दिखा देती हूँ मैं आपको। इसके बाद ये जो कली वाला हिस्सा है ना, इसमें हम थोड़ा सा इस तरह से कलर लगाएंगे, फिर इसको हम ऐसे नीचे तक ले आएंगे। इस तरह से हम इसे इसकी एक टहनी जैसी बना देंगे, और हम ये सब पत्तियां जो हमारी रह रही हैं ये सब बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम ये बाद में इसका ही बीच का हिस्सा बनाएंगे। इसमें हम इस तरह से शेड दे देंगे थोड़ी थोड़ी बस, और इसके बाद हम इसको ऐसे यहाँ थोड़े थोड़े डॉट्स टाइप के रख देंगे बस। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये फूल बनकर तैयार हो गया है। कितना खूबसूरत लग रहा है। आशा करती हूँ कि आपको भी बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।